इमरान मसूद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। सर, अमेठी भी दौरा किया, उसके बाद अब चौथा चरण भी हुआ है कल यूपी में, 52% के आसपास निकल आ रहे हैं आंकड़े, तो क्या क्या समझते हैं आप, क्या दावे हैं आप लोगों के? देखिए, लोगों को समझ में आ गया है, देश का किसान, देश का नौजवान, देश का महिला, देश का व्यापारी, ये सब लोग समझ गए हैं कि अब परिवर्तन करना है और अब ये परिवर्तन की आंधी है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक हवा भारत जोड़ो यात्रा के बाद बनी थी, उसका नतीजे अब सामने आने दिखाई दे रहे हैं। अमेठी आप रहकर आए हैं, क्या कुछ हवा है सर वहाँ की? अमेठी जीतेंगे, अब एक तरफा जीतेंगे, रायबरेली भी, अमेठी भी। देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे और उत्तर प्रदेश में इतनी सीट जीतेंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कितना है लगभग अंदाजा, क्या होगा कांग्रेस का? मैं कह रहा कि जितनी सीटें जीतेंगे कल्पना भी नहीं की होगी, ये आपको दिखाई दे जाएगा 4 जून को, कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे। आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, 12 राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं, काफ़ी बड़ा लाभ लश्कर आ चल रहा है। तो इसमें मैं क्या प्रतिक्रिया दूँ? इसमें मेरी प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ तो कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जो अभी कल कन्नौज में भी कई जगह अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए थे कि कहीं जगह गड़बड़ हो रही है, इस पर ही आप क्या कहेंगे? देखिए, गड़बड़ करने की सब जगह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा और नाराजगी इतनी ज़्यादा है कि लोग जहाँ वोट डाल रहे हैं वो हमारे लोग खूब वोट डाल रहे हैं। जी, जयंत चौधरी भी आज साथ में हैं मोदी जी के, तो क्या कहूँ उसमें, जब उनके साथ हैं तो जाएं, तो क्या कह सकते हैं? 5 साल तो लगातार उनसे विरोध रहा था ना जयंत का भी, अब ये तो वो बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ। तो ये है इमरान मसूद, कहीं ना कहीं बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, साथ ही साथ जो आज प्रधानमंत्री का जो नॉमिनेशन हो रहा है वाराणसी में, उसको लेकर इमरान मसूद ने कोई प्रतिक्रिया जरूर नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हंसे जरूर हैं कि आज लाव लश्कर के साथ प्रधानमंत्री जो हैं वो आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कई VIP जो हैं वो आज उनके साथ भी रहेंगे। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।